Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Welcome to online classes, Shivam Convent, Anandagar Shuklaganj. Now, class 6 ki Hindi medium ki science ki book Avishkaron ka Vigyan ka second chapter hai Sharir va iski gatividhiyan. परिचय की बात करें तो हम अपना चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं और विभिन्न व्यवहारों आदतों और अनुकूलता को दर्शाते हैं। यदि हम उनके ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे तो हमें कुछ समान विशेषताएं भी दिखेंगी। जैसे जंतुओं में विभिन्न क्रियाकलापों और कार्य करने के लिए विभिन्न अंग अंग तंत्र होते हैं। सभी जंतुओं को अपने शरीर के आकार को बनाए रखने में अवगत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी विकसित जंतुओं के शरीरों में हड्डियों के ढांचे का सहारा होता है जिसे हम कंकाल कहते हैं। अगर शरीर की संरचना की बात करें तो सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक इकाई भी कहा गया है। पर जीव को केवल एक कोशिका ही बनी होती है जिसे एक कोशिकीय जीव और कुछ एकल कोशिका जीवन के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को संपन्न करती हैं। वह जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं और इन जीवों को विभिन्न कोशिकाओं जीव का जीवन बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्यों को संपादित करना होता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के सभी भागों के लिए ऑक्सीजन ले जाती हैं। एक समान कोशिकाओं जो एक साथ मिलकर कार्य करती हैं जिसे उत्तक कहलाती हैं। उत्तक मतलब कोशिकाओं का वह समूह जो एक मुख कार्य करता है उत्तक कहलाता है। जैसे त्वचा हड्डियाँ मांसपेशियाँ अंग और अंग तंत्र अंग उत्तकों का समूह जो एक साथ मिलकर एक मुख कार्य करता है अंग कहलाता है और प्रत्येक अंग शरीर के लिए एक विशिष्ट कार्य करता है। उदाहरण हृदय एक अंग है जो पूरे शरीर में रक्त का परिवहन एवं फेफड़ों व गुर्दे या यकृत को शरीर के अन्य अंग भी कह सकते हैं। हमारे शरीर के अंगों का समूह दैनिक जीवन के कार्यों पर संपादित रहता है। ऐसे अंगी समूहों को भी अंग तंत्र कहते हैं और उदाहरण के लिए अंगों का वह समूह जो एक साथ भोजन का पाचन करता है पाचन तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र प्रजनन तंत्र श्वसन तंत्र उत्सर्जन तंत्र पेशी और कंकाल तंत्र आदि अंग तंत्र की कुछ उदाहरण हैं। ये सभी तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अतः मनुष्य एवं सभी बहुकोशिकीय जीवों का शरीर का निम्न प्रकार से संगठन होता है। अगर हम कंकाल तंत्र की बात करें तो हमारे शरीर में अस्थियों से मिलकर एक ढांचा बनता है जिसे हम कंकाल कहते हैं। वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियाँ होती हैं मतलब कि हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर के कुछ भागों में उपस्थित भी होती हैं जैसे कान नाक आदि। कंकाल तंत्र के कार्य होते हैं सहायता प्रदान करना सुरक्षा प्रदान करना रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना गत प्रदान करना। और कंकाल के दो प्रकार होते हैं बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में कुछ जीवों की त्वचा कठोर और सख्त होती है जिसे बाह्य कंकाल भी कहते हैं जैसे कीट मकड़ी केकड़ा और शरीर की मांसपेशियां इस तरह जुड़ी होती हैं यह गति में भी सहायक होती हैं। कॉकरोच में बाह्य कंकाल होता है इसका शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है जो खंडित होता है। यह चिंटिन नामक पदार्थ से बना होता है। अंतः कंकाल की बात करें तो मेरुरज्जु व जंतुओं में अंतः कंकाल होता है जो शरीर के अंदर होता है और शरीर में सहारा और आकृति प्रदान करता है। यह जंतु के शरीर के साथ वृद्धि करता है और मछली छिपकली पक्षी और स्तनपायियों को अंतः कंकाल भी कहते हैं होता है। अंतः कंकाल अस्थियों से बना होता है जिसे जंतुओं का अंतः कंकाल भी कहते हैं। अधिकांश लंबी अस्थियां उपस्थि से आरंभ होती हैं जबकि अधिकांश चपटी अस्थियां झिल्ली से आरंभ होती हैं। उपस्थि कान व नाक जैसे अंगों को सहारा देती है या अस्थियों से भी जुड़ी होती हैं जैसे पसलियां व सीने की अस्थियां आपस में उपस्थियां द्वारा भी जुड़ी होती हैं। उपस्थि तकिए की तरह भी कार्य करती है जैसे घुटने में या दौड़ते व चलते समय झटकों को सहती है। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस शिवम कॉन्वेंट आनंदनगर शुक्लागंज नाउ पार्ट 2 मानव कंकाल की संरचना। मानव कंकाल का अध्ययन निम्नलिखित अंगों के अंतर्गत किया जाता है जैसे खोपड़ी मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी कंधे की अस्थियां नितंब हाथ व पैरों की अस्थियां। खोपड़ी सबसे भारी व अस्थियों का ढांचा होता है जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है और इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है कपाल और चेहरे की अस्थियां। कपाल बड़ा व खोखला है जो कपली गुहा से मस्तिष्क की रक्षा करता है और यह चपटी अस्थियों से बना होता है जो आपस में जुड़ी होती हैं। चेहरे की अस्थियां या खोपड़ी के आगे व निचला भाग होता है जिसमें 14 अस्थियां होती हैं। ऊपरी जबड़ा व निचला जबड़ा कुछ अन्य अस्थियों से मिलकर बना होता है। निचला जबड़ा गतिशील होता है या हमारे बोलने व भोजन चबाने की सहायता करता है। मेरुदंडी या रीढ़ की हड्डी की बात करें तो मेरुदंडों की पहली कोशिका खोपड़ी के सहारा देती है और इसलिए इसे एटलस कहते हैं। एटलस पर सिर के आगे और पीछे होता है अतः इसे यश बोन भी कहते हैं। अगर मेरुदंडु एक लंबी छड़ी नुमा संरचना होती है जो खोपड़ी के नीचे नितंब तक होती है। मेरुदंड तेज तेज छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम क्रेस्टुरकाएं
कहते हैं ये अस्थियाँ एक दूसरे से आपस में इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि मेरुदंडों को लचीला बनाने में सहायक होती हैं। यही कारण है कि हम अपनी पीठ को मोड़ सकते हैं। मेरुदंड खोपड़ी के तल से जुड़ी होती है या कंकाल के लिए एक सहारा होती है। रीढ़ की हड्डी में 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, गर्दन, वक्ष, पेट, नितंब और पक्ष। नितंब में 5 कोशिकाएं, पक्ष में 4, सभी आपस में जुड़ी होती हैं और प्रथम 24 कोशिकाएं स्थायी उपस्थ से जुड़ी होती हैं और नलिका कोकली नलिका बनाती हैं। इस नलिका में से मुख्य तंत्रिका गुजरती है और रीढ़ की हड्डी मुख्य तंत्रिका की रक्षा करती है। यह हमारे सीधे खड़े रहने में सहायता करती है और यह हमारी गर्दन को घुमाने में भी सहायता करती है। पसलियाँ व वक्षात की बात करें तो पसलियाँ पतली तथा चपटी व घुमावदार होती हैं जो शरीर के ऊपरी अंगों और चारों ओर से घेर कर सुरक्षा प्रदान करती है। यह अस्थि पंजर भी कहलाता है। चपटी व लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर लंबी आकृति की स्टर्नमल कहलाती है। अस्थि पंजर में 24 अस्थियाँ और 12 जोड़ों में व्यवस्थित होती है। कुछ जंतु एक विशेष अतिरिक्त अस्थि के साथ पैदा होते हैं जिसे हम गोरिल्ला कहते हैं और इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह समानता गोरिल्ला में ही होती है। और अगर हम इनमें से अधिकांश आगे वक्ष स्थल से जुड़ी होती हैं और अंतिम 2 जोड़ों में वक्ष से नहीं जुड़े होते, इन्हें गतिशील पसलियाँ भी कहते हैं। अस्थि पंजर हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। यह गुर्दे और पेट की सहायता करता है और विभिन्न भागों से इसकी रक्षा करता है। कंधे की अस्थियाँ की संख्या 2 होती है। इन्हें अंशमेखला और कहते हैं तथा पतली छड़ीनुमा आकृति को हसली और स्कंद जो कंधे के पीछे तिकोनी व चपटी स्कंद की एक स्थिति होती है जिसमें जंगास्थि का सिर घूमता है। दोनों श्रेणी मेखला मिलकर एक कटोरी जैसे सॉर्केट की तरह गुहा करती हैं जिसकी भुजा जुड़ी होती है। नितंब की अस्थियों की बात करें तो ये संख्या में ये भी 2 होती हैं और इसे श्रेणी मेखला के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक अस्थि का निर्माण 3 अस्थियों के संयोजन से होता है और इन तीनों को जोड़ पर प्याले जैसी रचना बनाती है जैसे श्रेणी कहते हैं। ये उदरी क्षेत्र की आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। अगर हाथ पैरों की अस्थियों की बात करें तो ये भी 2 हाथ और 2 पैर होते हैं और हाथों पैरों की अस्थियों की निम्नलिखित भाग हैं। हाथों की अस्थियाँ प्रत्येक हाथ में 30 अस्थियाँ होती हैं। इसमें ऊपरी भुजा, निचली भुजा, कलाई, हथेली व उंगलियाँ शामिल होती हैं। ऊपरी भुजा एक लंबी अस्थि होती है जो कंधे से हथेली में 5 अस्थियाँ होती हैं और प्रत्येक उंगली में 3 अस्थियाँ होती हैं। अंगूठों में 2 अस्थियाँ होती हैं। पैरों की अस्थियों में लंबी व मजबूत होती हैं और पैरों में भी 30 अस्थियाँ होती हैं। पैरों में जांघ, निचले पैर, घुटना, टखना, तलवा और पंजा आदि की अस्थियाँ सम्मिलित होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जंघास्थि या उर्वस्थि फीमर होती है। यह श्रेणी मेखला से पैर की अस्थि एड़ी और पंजे के बीच घुमाव बनती है। घूमते चलते और दौड़ते समय स्प्रिंग की तरह कार्य करती हैं तथा पैरों को सहायता प्रदान करती हैं। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस शिवम कॉन्वेंट आनंद नगर शुक्लागंज 9। संधियाँ और गति, ज्वाइंट्स एंड मूवमेंट्स। कंकाल में वह स्थान जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियाँ आपस में मिलती हैं उसे संधियाँ अस्थिबंध कहते हैं। स्थिर संधियों फिक्स ज्वाइंट की बात करें तो 2 अस्थियाँ संयोजन करके एक अचल अस्थि बनाती हैं तो ऐसी संधि को स्थिर संधि भी कहते हैं। यह स्थिर होती हैं और खोपड़ी की संधियाँ स्थिर संधियाँ कहलाती हैं। ये कंदुकलिका संधि, अचर संधि, कब्जा या कोर संधि या धुरा संधि भी होती हैं। संधि भंग एवं अस्थि भंग की बात करें तो ये अभी कोई भी लापरवाही, अचानक की गई गति, कूदना, गिरना और ठोकर लगना कंकाल को हानि पहुंचा सकती है। इन अस्थियों को संधि भंग या अस्थि भंग भी कहते हैं। संधि भंग में इस संधियों में अपना सामान्य अवस्था से इधर उधर जाते हैं जिसमें स्नायु स्थितिग्रस्त हो जाते हैं और इससे संधि भंग वाले स्थान पर दर्द व सूजन आ जाती है। अस्थि भंग की बात करें तो अस्थियों का टूटना या भृंग या फ्रैक्चर कहलाता है। अस्थि का टूटना बाल की तरह या ज्यादा या एक अथवा कई स्थानों से हो सकता है। फ्रैक्चर आसपास की जगहों पर दर्द व सूजन आ जाती है। ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्थि भंग कई प्रकार की होती है। साधारण फ्रैक्चर, संयुक्त फ्रैक्चर, अपूर्ण फ्रैक्चर, चिप फ्रैक्चर, स्टेटस फ्रैक्चर। सही आसान व आलंबन करना, यह आवश्यक है कि हमें अपनी अस्थियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम व विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थों को लेना चाहिए। इससे अस्थियाँ स्वस्थ रहती हैं। आहार के लिए अतिरिक्त व्यायाम व सही आसन भी आवश्यक है। गलत आसन से हमारी मांसपेशियों व अस्थियों में दर्द हो सकता है। सही आसन की अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं। खड़े होने की अवस्था, चलने की अवस्था, बैठने की अवस्था। मानव में गत अस्थियां संधियों में एक साथ मेरुरज्जु द्वारा जकड़ी जाती हैं जिसे स्नायु कहते हैं। मांसपेशियों जोड़ों में अस्थियों की गत की सहायता से अस्थियां मांसपेशियों को ढकी होती हैं। पेशियां अस्थियों को मजबूत तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती हैं और जिन्हें हम नशे कहते हैं। 2 प्रकार की मांसपेशियों का जोड़ा अस्थियों की गत प्रदान करता है। अगर आप जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो द्विशरीर संकुचित होती हैं या कंधे की अस्थि को एक ओर से खींचती हैं और दूसरी ओर से हाथ की अस्थि को रेडियस से इस गत को फ्लेक्स कहते हैं।
जंतुओं में गत सभी सजीव गत करते हैं। गत तो जीव के पूरे शरीर में होती है या कुछ भागों में जीव के स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर को ले जाने को भ्रमण कहते हैं। मछलियों की गत की बात करें तो मछलियों के शरीर के अंदर के कंकाल अस्थियां शरीर में सहारा देती हैं और गत की सहायता करती हैं। पक्षियों में गत पक्षियों में उड़ने के लिए बहुत सारी अनुकूलताएं होनी चाहिए। उनकी अस्थियां खोखली होनी चाहिए, वे भी हल्की होनी चाहिए। पंख बड़े होते हैं, ये बहुत बड़े हल्के एवं नीचे ढकेलते हैं, पक्षी के ऊपर उठाते हैं। और भी निम्न प्रकार के सांपों की गत की बात करें तो सांपों में बिना उपांग के कंकाल होता है। इनमें हाथों पैरों नहीं होते। कंकाल सिर के पीछे तक निरंतर कोशिकाओं की पंक्ति में फैला होता है। शरीर पतला होता है जो कि बिल में घुसने के लिए अनुकूल होता है। सर भूमि व जल में भी रह सकते हैं क्योंकि सर की प्रेशियां व कोशिकाएं व पसलियां व शल्कों की सहायता से गत करते हैं। सांप अपने पेट के बल से भूमि पर रेंगता है या अपने शरीर में पसलियों से तरंग पैदा करता है, मतलब वेव्स पैदा करता है जो सिर से पांव तक जाती हैं। यह सर्प के शरीर पर उपस्थित शल्कों की भूमि को जकड़ने में सहायता करती है। शरीर के विभिन्न भागों का संचलन या फैलाव से सर्प भूमि पर रेंगते हैं और सर्प की गति एक अन्य विधि से भी पूरी की जा सकती है। जब शरीर भूमि को पकड़ता है तब सर्प अपना सिर उठा के आगे बढ़ता है, इसे शरीर के साथ लूप बन जाते हैं। और सर्प जब पूंछ से भूमि को जकड़ता है तब अपना सिर आगे की ओर बढ़ा देता है। सेकेंड चैप्टर इज कम्प्लीटेड। थैंक यू।